नमस्कार बच्चों, मैं प्रदीप कुमार जैन दिल्ली से मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड का हिंदी अध्यापक। मुझे ऐसा कहा गया है कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हों। छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं के छात्र उसको कर पाएं, जिस विद्यालय में जिस पाठ्यक्रम में वो चीजें हों। मुख्य रूप से हम नौवीं और दसवीं के लिए इसको हम लोग बना रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो नवीं और दसवीं कक्षा के लिए इन वीडियोस को बनाना है। तो आज का जो विषय बच्चों मैं ले रहा हूं, जिसमें आप लोग कुछ अटकते हैं और कुछ प्रश्न आपके रह जाते हैं, वो है हमारा विज्ञापन लेखन। ये जो आप देख रहे हैं विज्ञापन, आपने कक्षा नवीं में पढ़ा था या सातवीं आठवीं में आपने पढ़ा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। अब आप इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग लगा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वी उपसर्ग लगा है, जिससे कि विज्ञापन शब्द बनता है। इससे विज्ञान शब्द भी बनता है, विशेष शब्द भी बनता है। इन शब्दों का निर्माण वी उपसर्ग के द्वारा होता है। विज्ञापन शब्द का अर्थ होता क्या है? विज्ञापन का मतलब होता है विशेष रूप से ज्ञापित करना। और ये ज्ञापित मैंने क्या बोला, ज्ञापित का मतलब होता है बताना, ज्ञान देना, सूचित करना। अब किन माध्यमों से? आप अच्छी तरह जानते हैं अंग्रेजी में हम इसको एडवर्टीजमेंट कहते हैं। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि कोई वस्तु हमारे पास है, हम दूसरों को सूचना देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं उसको। तो उसके लिए हम लोग एक आकर्षक सा एक पोस्टर बनाते हैं, हम एक विज्ञापन बनाते हैं जिसमें चित्र होता है, उस वस्तु के बारे में लिखा होता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, पांच नंबर का आता है ये, और पांच नंबर किस तरह विभाजित होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमने दो तीन चीजें अभी जानी। विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टीजमेंट कहते हैं। एडवर्टीजमेंट हम लोग अखबारों में देखते हैं, रेडियो में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, पत्र पत्रिकाओं मैगजीन्स में हम लोग देखते हैं, जगह जगह लगे हुए देखते हैं। किसी दुकान पे जाते हैं तो कोई हमको विज्ञापन वहां पर नजर आ जाता है जो उस वस्तु विशेष को बेचना चाहते हैं। तो उस सब के बारे में कि इस चीज को हम कैसे बनाएं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ मुख्य बिंदु मैंने यहां पर लिखे हैं। मुख्य बिंदु सबसे पहला कि जब आपको ये अपनी परीक्षा में बनाना है या कक्षा में करना है तो एक बॉक्स में बनाना है। बॉक्स में बनाने का मतलब क्या है कि आप एक बड़े इस तरह का एक बॉक्स बना लें, जहां पर भी आप इसको बना रहे हैं, एक ऐसा स्क्वायर, एक ऐसा चतुर्भुज बना लें और उसके अंदर आप एडवर्टीजमेंट विज्ञापन बनाएं। पहला नियम कि पूरे पेज पर आप एक ये चतुर्भुज बना लें, अलग पेज पर बनाएं। दूसरा बिंदु है, हम अक्सर ये करते हैं कि हम कोई क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ उसके नीचे हम छोटा सा बना देते हैं, ऐसा न करें। इसके लिए और पत्र लेखन के लिए, जब मैं आपको पत्र लिखना सिखाऊंगा, आप पूरा एक अलग पेज लीजिए और अलग पेज पर आप बकायदा बीच में अच्छे ढंग से इस विज्ञापन को बनाइए। मुझे लगता है बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है, हम ये बनाए किस चीज से? तो वहां पर आप इसको पेन से भी बना सकते हैं, पेंसिल से भी, या रंगीन कलम से बना सकते हैं। अब ये एक बड़ी अजीब बात है, मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर। पेन से अक्सर अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी आर्ट अच्छी है, आप बनाने में आप कंफर्टेबल हैं, तो आप उसको बनाइए। अच्छा रहेगा कि जो बॉक्स है, बॉक्स हम लोग बनाएं किसी पेंसिल से और अंदर हम लोग कलर पेन का या कलर जो भी हमारे पास पेंसिल्स होती हैं, हम उनका उपयोग अंदर कर सकते हैं, रंग बिरंगा, जो मैं आपको आगे सूचित करूंगा। मैं अगला चौथा हमारा पॉइंट है घोष वाक्य, पंचलाइन। पंचलाइन का मतलब होता है, आपने देखा होगा पंच मारते हैं जैसे हम लोग, तो एक ऐसी लाइन विज्ञापन में होनी चाहिए, यानी उसका कंटेंट क्या हो, एक ऐसी लाइन जो दिमाग पे छा जाए। तेल लगाओ बाल पाओ, ये एक लाइन है अपने में। जल है तो कल है, मान लो हम लोग पानी का किसी का एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, चार शब्द हैं लेकिन बहुत कुछ कह रहे हैं, पंच लाइन है। बाकी उसके बारे में फिर आप नीचे जो मर्जी लिखना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी क्रिएटिविटी, आपका दिमाग चलना चाहिए कि वो घोष वाक्य क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये आपको समय सोचना पड़ेगा विषय के अनुसार। अगला इसमें जो पांचवा बिंदु हमारे सामने आता है वो है विशेषणों, एडजेक्टिव्स का प्रयोग। हम अच्छी तरह जानते हैं, हमने कक्षा चार से एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं।
जैसे काले काले बाल, बाल कैसे काले काले, तो ये विशेषण हो गया। तो ऐसे विशेषणों से हम जिस भी वस्तु के बारे में विज्ञापन तैयार कर रहे हैं उसमें हम लोग इन विशेषणों का प्रयोग करें। जिस भी संज्ञा शब्द को लगाए उस संज्ञा से पहले हम लोग विशेषणों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और इन्हीं के नंबर घोष वाक्य और विशेषण का एक नंबर मिलता है अगर आप इनका प्रयोग विज्ञापन में करते हैं। वस्तु की कीमत और प्राप्ति स्थान, अवश्य लिखिए कि जो वस्तु आप बेचना चाह रहे हैं, आपने एक लैपटॉप बनाया, आपने एक मोबाइल बनाया, आपने कोई नई चीज, नई तरह की साइकिल बनाई आपने, तो वो मिलेगी कहाँ और उसकी कीमत कितनी है, ये जरूर लिखना है। अगर ये लिखना नहीं आपने लिखा तो आपका एक नंबर कट जाएगा, ये याद रखिएगा, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगला है कम से कम शब्दों का प्रयोग करिए, ये अनुच्छेद नहीं है, ये याद रखिएगा, ये लेटर नहीं है, ये किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इसमें जितने कम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा बात कह पाओगे, ऊपर लिखा रहता है 20 से 30 शब्दों में लिखें, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 30 शब्द ठूंसने ही हैं उसके अंदर, वो कम भी हो सकते हैं शब्द, लेकिन आपकी बात पूरी आ जाए ये बहुत जरूरी है। 20 से 30 शब्दों का मतलब होता है कि इन शब्दों को क्रॉस नहीं करना, आपको आगे नहीं जाना, ये सीमित शब्द हैं, इतने होने चाहिए, हो सकते हैं, इसको क्रॉस नहीं करेंगे आप, इसका मतलब ये होता है कम से कम शब्दों का प्रयोग। आठवां हमारा बिंदु है चित्र बनाया जाए तो बहुत अच्छा। अब ये बिंदु बहुत देखिए टेक्निकल है और हरेक को चित्र बनाना नहीं आता, जैसे मैं चित्र नहीं बना सकता, मेरी व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझे, आप में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्पोर्ट्स में है, जो मंच पे जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे चित्र बनाने वाले हों। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक चित्र बना रखा, ये वाला रूपरेखा, एक डायग्राम सा मैंने बना दिया, एक आउटलाइन सी मैंने बना दी। तो ये आउटलाइन जो मैंने बनाई है आप इस तरह भी अपनी बात को रख सकते हो, जरूरी नहीं कि प्रॉपर चित्र, आपको नहीं बनाना आता तो आप क्या करेंगे, तो आप आउटलाइन वहां पर बना दें जिससे जो करेक्शन कर रहा है उसको ये पता लग जाएगा कि बच्चा बनाना चाह रहा था लेकिन इसको आता नहीं, और वो आपको नंबर दे देगा। ये बात समझ में आई आपको? अगर आपको चित्र बनाना नहीं आता तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चित्र होने चाहिए, उससे क्या होता है अट्रैक्टिव। जो अगला बिंदु हमारा है आउटलाइन ही बना दे तो अच्छा, जैसे मैंने आउटलाइन बनाई है, आकर्षण, आकर्षक लगे। विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वो देखने में अच्छा लगना चाहिए, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके नंबर एक नंबर प्रस्तुतीकरण के, प्रेजेंटेशन के काटे जा सकते हैं और काट दिए जाते हैं। इसलिए आप लोग बहुत सचेत रहें कि किसी भी तरीके से वो आकर्षित लगना चाहिए। आपके मन में, मैं 11वां पॉइंट यहाँ पर लिख नहीं पाया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मन में ये आ रहा होगा सर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, सिर्फ संज्ञा नाउन्स का। जैसे अगर आप कोई तेल बेच रहे हैं तो उस तेल का कोई नाम मिस्टिक ऑयल, हाँ ये आप रख सकते हैं। आपने कोई बाइसिकल, एटलेस अंग्रेजी शब्द है, हीरो अंग्रेजी शब्द है, आप ये रख सकते हैं। संज्ञा शब्द, गौर करें कि अगर कोई संज्ञा शब्द है तो उसकी अंग्रेजी लिखी जा सकती है, बहुत अच्छा हो अगर आपने कहीं अंग्रेजी लिखी है, जैसे कि मैं आपको अभी एक एड में दिखाऊंगा, उस अंग्रेजी के नीचे हिंदी भी लिख दें उसी को, उसी जैसे मिस्टिक, तो मिस्टिक हिंदी में भी लिख दें, तो उससे क्या होगा कि करेक्शन वाले को पता लग जाएगा कि बच्चे को हिंदी लिखना आता है, लिख रहा है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर क्योंकि उसने लिखा है तो वो आपको नंबर दे देगा। सेल 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 आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं क्योंकि सेल शब्द से, बिक्री 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 लिखें तो ये हमको अक्सर देखने में नहीं आता। ये गौर करें कि विज्ञापन एक आम आदमी के लिए दिया जा रहा है, अगर आप कंप्यूटर बना रहे हैं और उसकी हिंदी संगणक लिखेंगे कोई नहीं समझेगा, आपको कंप्यूटर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि एक आम आदमी के लिए है, और हो सकता है वो अनपढ़ आदमी हो, पांचवी तक पढ़ा हो, कंप्यूटर शब्द सुना है, संगणक शब्द उसने नहीं सुना। तो आप नाउन्स, संज्ञा शब्दों का अंग्रेजी में प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको विज्ञापन बहुत अच्छी ढंग से बता दिया, फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप चैट में आप डाल लें, मुझसे पूछ लें, और आप नीचे अपने प्रश्नों को मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ भी चीज आ रही है, बस इतना ख्याल रखिएगा आकर्षित होना चाहिए, कलर कर सकते हैं, रंग किया जा सकता है, रंगीन पेंसिल से बनाया जा सकता है, बॉक्स उसके अंदर होना चाहिए, वस्तु की कीमत, वो कहाँ मिल रही है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक विज्ञापन कि किस तरीके से एक विज्ञापन बनाया जा सकता है, आइए देखते हैं।
अभी हमने समझा कि विज्ञापन के मुख्य बिंदु क्या होते हैं, किस तरह से विज्ञापन लिखा जाना चाहिए, उसमें कौन से बिंदुओं का प्रयोग जरूरी नहीं, कोई एक आध बिंदु रह भी सकता है। आपके पास कोई कलर पेंसिल नहीं है मान लीजिए, तो आप लोग एक कॉमन अपने जो भी आपके पास पेंसिल है या पेन है उससे आप इसको बना सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि उस समय वो चीज आपके दिमाग में पंचलाइन आ जाए, तो बिना पंचलाइन के भी आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन वो पूरा पैराग्राफ मत लिख दीजिएगा, वो एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, वो विज्ञापन नहीं कहलाएगा, इसको भी आपको ख्याल रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, झड़ते बालों का कारण प्रदूषण व धूल, अपने ये पूरी लाइन है, और देखिए नीचे पंचलाइन, लगाकर सब समस्या जाओ धूल। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, भूल और धूल में लला मिल रहा है, तो एक हमारे एक राइमिंग वर्ड्स, एक रिदम, एक तुक हमारे सामने मिल रहे। झड़ते बालों का कारण प्रदूषण व धूल, मिस्टिक ऑयल लगाकर सब समस्या जाओ भूल। अब आप मिस्टिक ऑयल इसमें जोड़ दीजिए। अब मिस्टिक ऑयल हमारा एक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द को हमने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा। मान लीजिए कोई पढ़ने वाला देखने वाला अंग्रेजी नहीं जानता तो वो इसको मिस कर देगा, लेकिन वो हिंदी जानता है। हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर मान लीजिए हमारी माता बहने अंग्रेजी शब्द नहीं लेकिन हिंदी जानती हैं, तो वो इसको पढ़ लेंगी, इसलिए आपने ब्रैकेट में इसको लिख दिया। पांच दुर्लभ जड़ी, ये इसकी विशेषता, मैंने आपसे विशेषण कहा था, तो पांच दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित बना हुआ। अब 500 ml पर 100 ml मुफ्त। अभी आप एक आकर्षण, यहाँ पर आप चाहें तो एक स्टार सा बना सकते हैं, एक स्टार सा बना सकते हैं, विशेष थोड़ा सा नीचे कर दीजिए इस लाइन को, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। एक आकर्षण है इसमें कि भाई क्यों इसमें हम लोग आपको पहले में 100 ml मुफ्त दे रहे हैं। अब इसके अंदर एक चीज मैंने मिस करी है, मुझे बताइए क्या मिस किया है, सोच के बताइए। मैंने इसमें एक चीज मिस करी, एक तो मैंने इसमें ये नहीं लिखा कि ये मिलेगा कहां, और एक मैंने इसमें ये नहीं लिखा कि इसकी कीमत क्या होगी। ध्यान से देखिए, इसमें ये चीज मिस है, यानी मैंने एक नंबर इसमें हटा दिया। मान लीजिए मेरी ये स्पेलिंग गलत होती, ये स्पेलिंग गलत होती, तो क्या होता, तो मेरे इसमें नंबर कटते, ये ख्याल रखिएगा। अब मैं, अब यहां पर आप कहीं लिख सकते हैं, कहीं भी आप लिख सकते हैं 200 रुपए मात्र, यानी 200 रुपए में आपको 500 ml और 100 ml फ्री मिलेगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं ये मिलेगा कहां, तो आप यहां पर लिख सकते हैं केमिस्ट की दुकान पर उपलब्ध, या इसको हम लोग यहां भी लिख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ये दोनों पॉइंट ना लिखते तो आपका -1 हो जाता, स्पेलिंग्स का -1 हो जाता। चित्र ना बनाते कोई बात नहीं, क्योंकि आपको चित्र बनाना नहीं आता, उसके नंबर नहीं कटते, ये याद रखिएगा। एक इसमें बॉर्डर, जो मैंने आपसे कहा था बॉक्स बनाइएगा, इस बॉर्डर को भी आप खूबसूरत बना सकते हैं किसी और ढंग से, कुछ और यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दीजिए ताकि ये सुंदरता इसमें बन जाए। इसको बनाए कब, जब आप परीक्षा के अंदर आपके सामने ही आ रहा हो। देखिए, अगर आप आर्ट, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, तो आप शुरुआत इसी से कर सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर का है ये, 5 में से 5। लेखन के जो जो बिंदु, अनुच्छेद, पत्र, विज्ञापन, संवाद, चित्रलेखन, कथा, कहानी, ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप इनमें अच्छे हैं, 25 नंबर की ये चीजें आती हैं पूरे पेपर में, 80 नंबर में या 100 नंबर में, तो अच्छा खासा इनका परसेंटेज है, तो आप इसको शुरू में भी कर सकते हैं। अगर आपकी आर्ट अच्छी नहीं है तो इसको लास्ट में करें, और कम से कम इसके लिए 5 से 8 मिनट रखें, क्योंकि इसको बनाने में समय लगता है, ये मत भूलिएगा, इसको बनाने में समय लगता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बनाते हुए इसको अंत में भी कर सकते हैं, आर्ट अच्छी है पहले कर दीजिए, जो परीक्षक है उसके ऊपर एक अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। परीक्षा भवन में जब भी आप जाएं तो कलर पेन पेंसिल्स लेकर के जाएं, हल्के पेन अगर आप ले लें, पेंसिल ले लें, कि पीछे वाले पन्ने पर उसका असर ना पड़े, ये ख्याल रखिएगा। पूरा पेज अलग से लीजिएगा। अट्रैक्शन इसमें बहुत जरूरी है, लिखते हुए स्पेलिंग्स का ख्याल रखिए। ये देखिए, जब हमने बनाया तो ये दो चीजें तो नहीं मिस हो गई, हमने अट्रैक्शन, हमने आकर्षित करने के लिए क्या क्या दिया इनको, 100 ml मुफ्त दे रहे हैं, तो कई चीजें आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी, अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि मैं नई चीज इसके अंदर क्या डालूं। पंचलाइन हमने दी, हमने इसके अंदर 5 दुर्लभ जड़ी बूटियां, हमने विशेषण इसका बताया, हमने चित्र दिया, रंगीन हमने दिया, ये सारी चीजें हमने इसमें जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो हमने पूरा किया। तो मित्रों, मुझे लगता है मेरे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, बच्चों आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, कुछ टीचर्स भी इसको देखेंगे,
तो अगर कोई भी प्रश्न हो आप चैट बॉक्स में डाल दें, मेरे से पूछ सकते हैं और एक अच्छा सा विज्ञापन बना के जो आपके मन में आ रहा है भेजिए, क्योंकि आपको आजकल लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो मोबाइल का कोई एक अच्छा सा फीचर बताता हुआ एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपके घर में पिछले दिनों मम्मी ने हाउस अपने घर में किचन स्टार्ट की है, घर में खाना बनाना टिफिन सर्विस, उसका एक एड तैयार करिए, विज्ञापन सबको देना है, अखबारों में हमको डालना है, एक उसका आप विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, अच्छा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। साइकिलिंग हमारी कोरोना काल के अंदर बहुत हुई है, तो एक साइकिल का विज्ञापन दीजिए कि एक अच्छी साइकिल जिसके नए फीचर्स आपने कुछ डाले हैं, क्या डाले हैं आपको सोचना होगा, विशेषण ये, उसका एक विज्ञापन आप तैयार कर सकते हैं, और भी किसी चीज का जो भी आपके दिमाग में आए एक अच्छा सा विज्ञापन तैयार करके आप मुझे भेजिए। यही आपका होमवर्क भी है और एक क्रिएटिव वर्क है, तो आपको करने में मजा भी आएगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।